अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुवत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयां हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयां हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज, दुनिया की 5 बड़ी खास अहम खबरों पर नजर डालते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही, मगर पाबंदी से 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं चैनल की मदद कीजिए और चैनल को मजबूत। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर यूएई मुत्तहदा अरब इमारात से आ रही है। मुत्तहदा अरब इमारात में गुज़िश्ता कल ज़बरदस्त बारिश हुई, तमाम यूँ समझिए कि इमदादी काम वहाँ पर जारी कर दिया गया, यानी इमदादी काम वहाँ पर किया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बारिश कितनी ज़बरदस्त हुई होगी। मुलाजमीन को घर से काम करने के आदेश, हिदायतें जारी कर दी गई है। तमाम मालूमात इस वक्त दरहम बरहम हो गई है। मुत्तहदा अरब इमारात की कई रियासतों में गैर मुतवक्के बारिश रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि आमतौर से ऐसी बारिश वहाँ नहीं होती है। गुज़िश्ता रोज़ दोपहर से शुरू होने वाला शदीद बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। मौकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत शारजा, फुजैरा और रासुल खैमा में दरमियानी और तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जबल अली में भी हल्की बारिश हुई। दुबई के हुकाम का कहना है कि नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए बारिश से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई है। मौकमे मौसमियात के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात में दर्जा हरारत कम और मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि मजीद बारिशों का इम्कान है। मुत्तहदा अरब इमारात की एक स्टेट फुजारा में शदीद बारिश और इससे पैदा होने वाली सैलाबी सूरतहाल के पेश नज़र गैर ज़रूरी निजी और सरकारी मुलाजमीन को हिदायत की गई है कि वो घरों से ही अपना काम जारी रखें। और बड़ी ख़ास बात यह है कि वहाँ यानी वहाँ के जो नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने फुजैरा के यानी जिस इलाके में ज़्यादा बारिश हुई वहाँ की तमाम होटल्स को ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि वो सैलाब से मुतासर ख़ानदानों को अपने खाली कमरों में पनाह दें। इसके अलावा शेख मोहम्मद ने इमारात की वजारत कम्युनिटी डेवलपमेंट को भी हिदायत जारी की कि सैलाब से मुतासर अफराद के लिए
आर्जी टेम्पररी शेल्टर्स कायम किए जाएं। ये एक ख़ास बात है कि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ जनता का ख्याल रखा जाता है। नाज़रीन, इस वक्त दूसरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि कई महीनों के बाद अमेरिका और रूस का आला सतह का राबता हुआ, हाई कमीशन से बाकायदा उनका कनेक्शन हुआ और दो अमरीकी शहरियों की रिहाई की कोशिश की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि जो बाइडन मैनेजमेंट ने रूस में कैद किए गए अमरीकियों की रिहाई के लिए रूस को मुआहदे की पेशकश की ताकि पॉल वेलन और ब्रिटनी को रिहाई मिल सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से रूसी वज़ीर ख़ारिजा के साथ यूक्रेन पर हमले के बाद पहली फोनिक रब्ता था। इसके मुताबिक बाकायदा कॉल में यूक्रेन की लड़ाई पर कोई बात नहीं हुई। हाँ, अमरीका ने अपने दो शहरियों की रिहाई की कोशिश की। कहा जा रहा है कि कई महीनों के बाद इस तरीके से अमरीका और रूस का आला सतही पैमाने पर रब्ता हुआ है। नज़ीस वक्त बड़ी खबर फिलिपाइन से आ रही। फिलिपाइन में ज़बरदस्त अंदाज में जलजला आया, काफ़ी नुकसान भी हुआ है, हज़ारों लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर मजबूर हो गए। फिलिपाइन में जलजले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है जिसने फिलिपाइन के शिमाली हिस्से को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है और इन जलजले के झटकों की वजह से अक्सर लोगों ने रात अपने घरों से बाहर खुले आसमान तले गुजारी है। हुकाम ने बताया कि बुध की सुबह कम आबादी वाले सूबे में जबरदस्त झटका आया, जलजला आया जिसमें कम से कम 5 अफराद के मरने और 150 से ज्यादा जख्मी लोगों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। फिलिपाइन के प्रेसिडेंट ने बाकायदा मुतासर इलाकों का विजिट भी किया, दौरा किया और लोगों पर जोर दिया कि वो वापस जाने से पहले अपने इंतज़ार करें क्योंकि उनके घर का मुआयना किया जाएगा। सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है और वो इमारतें गिर गई है और लैंडस्लाइडिंग से भी सड़कें बंद हो गई और मुतासर इलाकों में बिजली भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, कट हो गई है। पुलिस चीफ ने AFP को बताया कि सबसे ज़्यादा जलजले के झटके और शिद्दत को महसूस करने वाले इलाके में मजमूई तौर पर नुकसान बहुत कम है। आइना, इस वक्त बड़ी खबर पेरिस से आ रही है। जी हाँ, पेरिस के दौरे पर है फिलहाल ममलकत सऊदी अरबिया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। फ्रांस के दौरे पर है और वो आज वहाँ के प्रेसिडेंट मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। फ्रांसीसी ऐवान सदर ने ऐलान किया है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन आज अपने पैलेस में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने यूरोपी दौरे के दूसरे और आखिरी मरहले में फ्रांस पहुंच गए हैं। फ्रांसीसी सदर से मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे की मदद तआवुन को फ़रोग देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल बातचीत होंगी। गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी बुध को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान यूनान गए थे जिसमें वहाँ पर भी दोनों मुल्कों के फौजी और इक्तिसादी तआवुन के कई एग्रीमेंट्स हुए हैं और उस पर दस्तखत हुई है। अपनी रवानगी से पहले मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि इनके दौरे यूनान ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती पर जोर देने के मौके फराहम किए हैं। अयाज, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इराक से। जी हाँ, इराक में PM का वजीर आजम का इंतखाब इलेक्शन नहीं हो सका। इलेक्शन हुए 290 दिन गुजर चुके हैं लेकिन वजीर आजम का इंतखाब नहीं हो सका। इराक में इंतखाबात के बाद सो होने वाले डेडलॉक की वजह से ताहाल यानी अब तक नए वजीर आजम का इंतखाब नहीं हो सका, न ही काबीना तश्कील दी जा सकी है। पिछले साल अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात के बाद कानून साजों को वजीर आजम का PM का इंतखाब करना था लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ सका है, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इराक में 290 दिनों से वजीर आजम
मुहर और काबीना नहीं है, ये एक रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले 2010 में ऐसे ही डेडलॉक हुआ था जब 289 दिनों के बाद वजीर आजम नूर अल मालिकी अपनी दूसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम मुंतखब हुए थे। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इम्कान है कि अगर सियासी जमातें डेडलॉक खत्म ना कर सकें तो निगरान वजीर आजम खुदैमी नए इंतखाबात तक किरदार अदा कर सकते हैं। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों उथल सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।